अभी सहरी कर ली है, फजर की नमाज़ भी पढ़ ली है और अभी हम खड़े हुए हैं फ़ौर होने के लिए, खेलने के लिए खड़े हुए हैं और बंदे ही नहीं पूरे हो रहे। हम फुटबॉल खेलने के लिए खड़े हुए हैं, जान है, अब उसका भाई है और मैं हूँ और एक और का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी नींद में सो उठा रहे हैं। जब आएगा आपको उसकी हालत दिखाएंगे। अभी आया था तो मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गया, वो बहुत ही मनहूस लग रहा था। अगर आप व्लॉग देख रहे हो ना तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दो, उसकी शक्ल ले आते तो लोग सब्सक्राइब कर देते, ऐसे ही होना था मुझे लग रहा है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं उसका, फिर खेलते हैं और फिर जाके सोएंगे। सारी रात के जागे हैं, फिर भी हम खेलेंगे, ख्वाब होंगे। पकड़ो इस बच्चे को, आपका चलान होगा। आप ये क्यों, ये क्यों लेके आए हो आप यहाँ पे? क्योंकि ये मेरी है। अच्छा, सॉरी यार, ये देखो बच्चे भी बड़े हो गए। हमारे पास इस ज़माने में ये होती ही नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था ये होता क्या। मुझे पता है, बताऊँ क्या स्कूटी है? बेटा मेरे पास तो वो भी नहीं थी, मैं तो पैदल घूमता था। अब तुम देखो इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बाइक पे घूम रहा हूँ। تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hope you all guys are well. Welcome to my new vlog. 20 दिन से inactive, 20 दिन से कोई vlog नहीं आ रहा यार भाई, मेरी गलती है, बिल्कुल मेरी गलती है। क्योंकि जो है रमज़ान की रूटीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, रमज़ान की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। रमज़ान में जो है समझ भी नहीं आता कि भाई बंदा क्या व्लॉग बनाए। खैर ये तो खैर समझ तो आ ही जाता है व्लॉग क्या बनाना है, लेकिन दिन में कोई ख़ास एक्टिविटी होती भी नहीं है तो अंदर से भी दिल नहीं कर रहा होता, अंदर से भी दिल नहीं कर रहा होता। उसके बाद रमज़ान की रूटीन इतनी कोई ख़राब है और जो है दिन इतना जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैं पहले रोज़े से सोच रहा हूँ आज व्लॉग बनाता हूँ, सुबह बनाता हूँ। आज सुबह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 20 रोज़े बड़े मज़े से गुजर गए। 20 रोज़ों का तो पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है 20 रोज़े पता नहीं कहाँ गुजर गए। बिल्कुल लास्ट टच आ गया हमारा और 10 रोज़े बाकी रह गए, आज 20वां रोज़ा है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सुबह रूटीन असल में ऐसी होती है कि सुबह जो है सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी मतलब है फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं आधा एक घंटा, तो फिर ये है कि मज़ा आता है बहुत। उसके बाद आके सो जाते हैं, सो के जब उठते हैं 12-1 बजे थोड़ी इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर अपना जो है पढ़ना भी होता है क्योंकि मई में मेरे पेपर्स होने वाले हैं, तो इसलिए जो है दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अफ्तारी हो जाती है, फिर तरावी पर जाओ, फिर दिन ऐसे ही बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। बाकी अभी ये है कि आज के दिन में थोड़ा सा फारिग था तो मैंने कहा क्यों ना आज व्लॉग होना चाहिए, आज ज़रूर व्लॉग होना चाहिए। वैसे जो है मैं अपने किसी दोस्त वगैरह को साथ उठा लेता हूँ जब भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं साथ उठाया। मैंने कहा नहीं, आज मैं अपने व्यूवर्स को साथ लेके जाऊँगा, अपने व्यूवर्स को दिखाऊँगा सारा। तो अभी जो है एक काम है थोड़ा मुझे, मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से, मैं जिस गाड़ी पर हूँ ये गाड़ी जगह पर ड्रॉप करनी है, वहाँ से मैंने दूसरी गाड़ी पिक करनी है। तो अभी ये है कि चलते हैं बस, और रात को फिर सीन ऐसे होता है कि रात को फिर मेरे एक दोस्त है वो हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, तो उसके घर पे तरावियाँ होती हैं, तरावियाँ पढ़ाते हैं, तो रात को फिर उसी घर पे तरावियाँ पढ़ते हैं। तो आज मैं वहाँ का भी ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि वहाँ पे हम क्या मस्तियाँ कर रहे होते हैं, तरावियाँ कम हम मस्तियाँ ज़्यादा कर रहे होते हैं, सीधी बात है। मैं आपको बता रहा था गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ, बस आँखें बंद हो रही हैं। एक तो नींद भी जो है पूरी नहीं हो पा रही इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहे। खैर अभी चलते हैं, वही रास्ते में हूँ मैं, जा रहा हूँ। سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب. ये देखो भाई मेरी 20 सुपरा खड़ी हुई है,
ये मैं पिक करने आया हूँ और वो मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। इसकी चाबी लेते हैं, चलते हैं यहाँ से। गाइस ये देखें, फिर तीसरे पे लेके आ रहा हूँ, तीसरे पे। ये देख रहे हो तीसरे पे कैसे भाग रही है भाई। ये देखो सच में तीसरा गियर लगा हुआ है। वापस घर जो है पहुंच गया हूँ मैं। जो काम था मुझे, गाड़ी भी ड्रॉप कर दी, फिलहाल जो काम था अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कंप्लीट हो गया है। और गर्मी इतनी लग रही है ना यार, क्या बताऊँ। एक तो गाड़ी का एसी भी ऐसे टाइम पे काम करना बंद हो जाता है जिस टाइम गर्मी लग रही है, और रोज़ा हो भाई, रोज़े में वैसे ही बहुत तपती है। अभी आपको मिलूँगा मैं रात को तरावियों पर, क्योंकि तरावियों पर जो असल मज़ा आता है ना, वो सारे दिन का जो गुस्सा होता है गर्मी होती है ना, वो सारी उधर जा के ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो मज़ा आता है ना वहाँ पर, वो फिर अलग ही लेवल का मज़ा होता है। एक ही महीने का मज़ा होता है, वो फिर ये महीना भी ख़त्म हो जाना है। तो फिर इंशाल्लाह आपको रात को मिलेंगे। चलो भाई चलो यार, नमाज पढ़नी है और तुम यहाँ पे ये फुटबॉल खेल लो। अगर अभी ये तुम्हारी गाड़ी को लगती ना, अगर अभी ये तुम्हारी गाड़ी को लगती तो तुम्हारे अब्बू जो है ना तुम्हें यहीं से उठा के बाहर फेंक देते। अरे क्या हो गया भाई, क्या इधर इधर। गाइस ये चेक करें, इसको भरम करा रहे हो सर मेरे सामने। जी बोलो। हाँ जी मैं आपको भरम करा रहा हूँ। क्यों बदतमीजी कर रहा हूँ, अगर तुम मेरा फोन गिराता ना मौलवी साहब, मैं तुम्हें यहीं पे मार देता। गाइस ये हमारा मौलवी साहब है, ये 12 तरावियां ये पढ़ाते हैं, और नहीं ये हाफिज कुरान किसी काम का नहीं है। मैं 8 तरावियां में पढ़ाता, ये 8 तरावियां नहीं पढ़ाता, सिर्फ सुनता है और बच्चों को मारता है, ये जुल्म करता है बच्चों पे। एक चीज है कि आपको तो पढ़नी चाहिए ना मार, आप तो मार के काबिल हो, आप नहीं है अच्छा बच्चा। तरावियों का टाइम हो गया, तरावियां पढ़नी है। मौलवी साहब आगे क्या आगे जा रहे हैं, नमाज नमाज पढ़ाएंगे। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, मलिक डॉन को जाओ मेरे। मौलवी साहब चलिए नमाज पढ़ने मेरे ख्याल से। ये नमाज के घर पे नहीं, मेरे घर पे आ गए। ये आगे जाए जा रहे हैं मौलवी साहब। आपका व्लॉग नहीं आया कोई बात, तो बात आप बोलो बड़ा को शर्म नहीं आती। आप फिर जाओगे अभी, आप बोल रहे थे डेली व्लॉगिंग करेंगे। मेंटल डिसऑर्डर भाई, मेरी गाड़ी थी, क्या हो गया। बच्चों पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म। आपको आपको कैमरे की आंख देख रही है, आप बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। आपको हम वायरल कर देंगे, आपको कारी साहब के पास भेजेंगे हम। ये मौलवी की हरकतें देखेंगे। दूसरे मौलवी हमारे आ गए हैं, तबीयत खराब हो रही है। रुक जा रुक जा रुक जा। गाइस ये देखें मौलवी साहब जो है तरावियां पढ़ा नहीं रहे, और ये बिल्कुल, ये देखो घर की बिल्कुल ही तीसरी मंजिल पे चढ़ के, और ये कारनामे कर रहे हैं। करो करो करो, एक बंदा नीचे जाए मैं फाड़ दूं, एक बंदा नीचे मैं फाड़ दूं। यार क्वालिटी ना बहुत खराब आ रही है, जल्दी जाओ। कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि हम बोतल फाड़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हम बोतल फाड़ रहे हैं। हम बोतल फाड़ने आए थे तीसरी मंजिल पे, आपकी बस की इतनी दिखाओ ना, इतनी बड़ी मंजिल। जाओ लेके आओ, दोबारा लेके आओ। यार बहुत मस्ती कर ली है भाई, बहुत ज्यादा। अभी जो है नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने लगे हैं। ये देखो यार ये सारा सेटअप लगा हुआ है। यस ब्रदर, आवाज आ रही है हमें किसी को, चलो किसी को ऊपर से आवाज आ रही है। अरे कमीने हैं यार ये लोग, ऊपर छत पे एक बच्चे को बंदी करके आ गए यार, बहुत जुल्म करते हैं। ये है ही ऐसा, मैंने क्या करा ये यार, ये अभी तक दरवाजा नहीं खोल गया। जाओ अपने पार्टनर को लेकर, जाओ दरवाजा, पार्टनर को लेकर। हाँ जाओ, वो मेरा सबसे गंदा तरीन दोस्त है। तेरी शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती। अभी आपको दिखाते हैं, ये जो बंदा है ना, इस बंदे के पास बिल्ला भी है और मेरी, और इसकी जो है बिल्ले से बहुत फटती है, और वैसे ही जो है ये बिल्ला ऊपर लेके आ जाता है। मैं मारूंगा तुझे इसको, अभी के अभी नीचे लेके जा। वो सारे करीब नहीं जाओ, डर जाएगी, डर जाएगी, डर जाएगी, डर जाएगा। बिल्ला है, बिल्ला है, बिल्ला नहीं है, बिल्ला बिल्ला बेचारे को जो है उसमें बंद कर दिया है, कैमरे में बंद कर दिया। इसने इसने पता है क्या हरकत की है, इसने एयर फ्रेशनर जो है ना उस बेचारे की आंख में मार दिया। देखना यहाँ पे मारूंगा, आंखें बंद करो। उसके अंदर जो है बंद कर दिया, ताकि ये किसी को कुछ भी ना बोले, क्योंकि इसको जब भी हाथ लगाओ ना, मुझे नहीं। तो खैर आपको तो कुछ नहीं बोलेगा ना, आप तो इसके ओनर हो ना,
हम इस पर लगाते हैं तो ये पागल हो जाता है। दूसरे जानवर को कुछ बोलता थोड़ी है। पॉइंट टू बी नोटेड। यार इसको छोड़ के भाई नमाज के लिए देर हो रही है हमें। बेटर रहेगा अपना सुन नहीं रहा। यार आप ये देख सकते हैं यहाँ रेसिंग हो रही है। दूल्हा के जो तकलीफ तरीका बताया वैसे ही करना। और मैं कैसा हूँ ये आराम से खेलेंगे। बहुत आला दूल्हा और पीछे ये हाथ टेढ़ा मेढ़ा करके। अच्छा मेरे साथ कौन लड़ा? वही अपने भाई के साथ। मेरे साथ दो बंदे भी आ जाओ कोई मसला नहीं। चला आपके बिल्कुल ऊपर ही पंखा है। दो बंदे वो भी तेरे साथ। यस ब्रो ये देखो ऐसे चलो स्टार्ट है। दो बंदे ये एक बंदे के साथ कर रहे हैं। शीशा नहीं तोड़ देना बाकी। शीशा नहीं तोड़ देना बाकी ये भाई बॉडी बिल्डर है। नाइस यार बहुत आला बहुत आला बहुत आला। तू तो ये क्या नहीं हट यहाँ से। अभी एक और लड़ाई हो रही है इनके बीच में। नमाज की किसी को टेंशन नहीं। और यहाँ पे तरावीह पढ़ने आए बच्चे। और ये अब्दुल्ला और इब्राहिम बहुत गंदे वाला हाल है। क्या तुम हटो एक मिनट ना। रमजान और ये देखें फ्लेक्स मत मारो प्लीज फ्लेक्स मत मारो। हटी हटी हटी। और ये दो अब्दुल्ला के बीच में फाइनल मैच। और ये स्टार्ट ही गलत किया इन्होंने। चलो अब आपको ज्यादा आता है ये ट्रिक। अब स्टार्ट है चलो। और ये अब्दुल्ला गिल ओह माय गॉड पोछी निकल गई। I'm sorry, ये थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि मैंने गलत किया। अब ये जरा दोबारा करो। ये अब्दुल्ला ये चीटिंग करके आ रहा है। अच्छा ये इब्राहिम पीर से आने को आया है। और ये इब्राहिम कहाँ से उसे अब्दुल्ला गिल ओ ये बहुत बड़ी चीटिंग है। बहुत बड़ी जो फिर भी आ रही है। बंदा है जो उसने व्यक्ति लिया जो बेटा मेरा शागिर्द आ जाओ। यार आपके लिए तालियां बनती हैं। आपने दो बंदों को हराया है। चार नहीं है। चार ही ड्रॉप हो रहा है पूरे का। यार गेम स्टार्ट कर। यार मेरा फोन है यार ये मेरा फोन इस फोन आजकल मैं दूसरे फोन से ब्लॉग बना रहा हूँ। इसको साइड में करो फिलहाल। भाई गेम स्टार्ट करो। सीन ऐसा है तरावियां पढ़ ली हमने और अभी हम खेलने लगे गेम खेलने लगे। तो हम रोज तो खेल नहीं खेलते लेकिन हम रोज डिसाइड करते हैं कल खेलेंगे कल करते करते 20 रोजे गुजर गए तो आज हम जरूर गेम खेलेंगे। अगर आपको मेरी आवाज नहीं समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब इनका डिसाइड ही नहीं हो रहा कि हमने खेलना क्या। कोई बोलता है कुछ खेलना कोई बोलता है कुछ खेलना। ब्रदर दिस इज नॉट अनोइंग व्लॉगिंग प्लीज। ये बताओ क्या करना है इसका। मेरा फोन बजे वो नहीं उठाई छोड़ दे। हेलो गिनो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अल्लाह की कसम नौ 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 के बाद दस दस है मेरे पास। यार व्लॉग बन रहा है यार आप किसको लेके आ जाते हो बीच में। अच्छे लोगों को लेके आया मतलब ये क्या यार रील्स देखते रहते हो यार 24 घंटे। यार पढ़ भी लिया करो थोड़ा सा प्लीज। चलो आ जाओ अभी गेम पे जो है ना कंसंट्रेट करो प्लीज। तो अस्सलाम वालेकुम ये इब्राहिम कपूर आप देख सकते हैं
लड़की वाला और ये क्या लेंगे देखो ये देखो ये इसका मुंह है लड़कियों वाला कवर लगाया हुआ है इसने तो शक्ल से भी लड़की नहीं लगता अभी मिला भी नहीं है वो मुझे बोल तो आपके तो ही करवा के लूंगा ना अगर लूंगा क्या तो ये आपके बेड पे क्या कर रहा है ये टाइम देख लो भाई ऑलमोस्ट रात के 3 बज रहे हैं और ये देखो इस टाइम व्लॉग की एडिटिंग चल रही है ब्लॉग की एडिटिंग ऑलमोस्ट एंडिंग पे थी तो मतलब बिल्कुल लास्ट क्लिप रह गया था वो ऐड मैंने किया तो याद आया कि एंडिंग ब्लॉग की तो की ही नहीं थी 2 दिन इस ब्लॉग को बनाए हुए गुजर गए हैं आज 22वां रोज़ है बल्कि 23वें रोज़े की रात चल रही है ये और 3 बजे मैं बैठ के ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ और मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया था 2 दिन से तो अभी ब्लॉग को एंड करते हैं जो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं वो तो पता ही है आपको तो मैंने हमेशा ही बोली है दोबारा बोल देता हूँ रात के 3 बजे बैठ के आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ सब्सक्राइब तो बनता है यार सब्सक्राइब आप लोग करते ही नहीं हो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इंशाल्लाह सब लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा अल्लाह हाफिज़। يسعى كالفضل